नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। दतिया जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अशोक दांगी बगदा ने पत्रकारों का सम्मान करते हुए कहा कि पत्रकारों के बिना सामाजिक कार्य करना या राजनीति के क्षेत्र में कोई भी कदम उठाना मुश्किल होता है। पत्रकार प्रशासन, राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संस्थाओं के बीच सेतु का कार्य करते हैं। पत्रकारिता जटिल कार्य होता है। ऐसे कई अवसर आते हैं जब उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति के चलते उनकी जान पर भी बनाती है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि समाज को आईना दिखाने वाले पत्रकारों का समय समय पर सम्मान करते रहना चाहिए। दांगी ने कहा कि गत दिवस बड़ौनी में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था, जिस पर पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते कांग्रेसियों पर मामला दर्ज किया है। उसके विरुद्ध हम न्यायालय में जाएंगे। इस अवसर पर रामकिंकर सिंह गुर्जर, अजय शुक्ला, प्रदीप गुर्जर, विक्रम दांगी सिंधवारी, अशोक श्रीवास्तव, अभिषेक तिवारी, नरेंद्र गुर्जर, बीके नामदेव, आशीष तिवारी, अमरीश वाल्मीकि, विक्रम दांगी तेड़ोत, रामकुमार मोगिया आदि भी उपस्थित रहे। आज हमने पत्रकार वार्ता रखी है, वो जो हम पे जो केस रजिस्टर कल बड़ौनी में हुआ है, वो जनहित मुद्दों को लेकर, जो डीजल पेट्रोल महंगाई को लेकर जो पूरे जिले में हमारे धरने सांकेतिक प्रदर्शन चल रहे थे, उसमें पुलिस ने अनावश्यक रूप से हम लोगों पर कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, हम लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि धारा 144 है, हम लोग खुद कोरोना का पालन कर रहे हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं जुटा रहे हैं। और जो जनता के मुद्दे हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश थे कि आप हर ब्लॉक में जाइए और डीजल पेट्रोल रसोई गैस खाद्यान्न सामग्री में जो बेतिहासा बढ़ोतरी हो रही है, इसको आप जाके जनता में बताइए कि ये आम जन की कमर टूट रही है। आदरणीय मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन कभी महंगाई पे बात नहीं करते कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। मोदी जी या शिवराज सिंह चौहान बच्चों की बात तो कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के मामा हैं, लेकिन आज तक उन्होंने बच्चों की चिंता नहीं की। कोरोना काल में 3 महीने का जो लॉकडाउन रहा, उसकी फीस तक माफ नहीं की, बिजली के बिल माफ नहीं किए इन्होंने, जो करना चाहिए था। 3 महीने लोग परेशान रहे लॉकडाउन में, लोग घरों में भिड़े रहे, उनके रोजी रोटी, उनकी दुकानें बंद रहीं, रोजमर्रा की उनकी जीवन यापन कैसे हुआ जी, इसकी चिंता प्रशासन को नहीं है। इसको लेकर आज हम लोगों ने अपनी बात रखी और महंगाई को लेकर हमारे पूरे जिले में जो प्रदर्शन चल रहे थे, उसके तहत हम पे पुलिस ने FIR दर्ज की। जबकि हम लोग सूचना देते हैं, कंट्रोल रूम को बता देते थे, 2 दिन पहले से सबको बता देते थे, लेकिन बड़ौनी में किया उन्होंने, तो हम इसकी जमानत करवाएंगे और जेल जाएंगे। अगर जेल जाना पड़ा तो जेल जाएंगे। जनता के लिए आगे निरंतर प्रयास, निरंतर जिला कांग्रेस कमेटी निरंतर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में हम लोग और दतिया की पूरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हम लोग सब लोग संगठित होकर जनहित के मुद्दों की लड़ाई। कांग्रेसियों पर जो मामला दर्ज हुआ उसको लेकर आप कोर्ट जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, हमारी जमानत करवाएंगे, फिर उसके बाद कोर्ट जाना ही पड़ता है। कोई जनहित याचिका वगैरह? जनहित याचिका लगाएंगे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित रूप से जनहित हो जाएंगे। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।